वो लोग इसलिए तैयार रहते थे, दुआएं मांगते थे शहादत की, कि उन्होंने ना दुनिया बनाई नहीं थी। हज़रत उमर ने तो दूसरा कुर्ता नहीं पहना सारी ज़िंदगी, वो जो मकान आ रहा था वही चल रहा था, वो तो थोड़े पे कर्जा था उन पे, लेकिन हर नमाज के बाद सही बुखारी में मौजूद है वो दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुकनी शहादतन फ़ी सबीलिक, या अल्लाह ऐसा ना हो मैं तभी मौत चला जाऊँ, मुझे अपने रस्ते में शहादत की मौत देना। हर नमाज के बाद दुआ मांगी जा रही, लेकिन शहादत वाली मौत की नहीं, शहादत वाली मौत, अल्लाहुम्मा रज़ुकनी शहादतन फ़ी सबीलिक। और मालिक मदीना छोड़ने को दिल नहीं करता, या अल्लाह शहादत की मौत देना और देना भी अपने नबी के शहर के अंदर, यहीं रहूं, यहीं मेरा मदफन बने। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया। आप देखें ना, इन लोगों का दिल करता था। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला ने सारी ज़िंदगी मैदान में गुजारी, पूरे जिस्म में एक इंच जगह बाकी नहीं थी जहाँ ज़ख्म ना हो, सारी ज़िंदगी मैदान में रहे, लेकिन आखिरी वक्त रोते थे, फरमाते थे उसकी बेनियाज़ी देखो, मैं शहादत के लिए मैदान में रहा लेकिन शहादत मेरा मुकद्दर ही नहीं थी। और फिर आखिरी वक्त भी फरमाया, मेरा घोड़ा, मेरे कपड़े, मेरी ज़िरा, मेरी तलवार ये किसी मुजाहिद को दे देना, चलो मैं अब जहाद में नहीं हूँ तो मेरा सामान तो जहाद में रहे, किसी मुजाहिद को देना। उन लोगों ने जितनी मेहनत की ना मरने के बाद के लिए की, मरने के बाद के लिए, ज़िंदगी का जो दूसरा पुल है उसके लिए कोशिश की। वहाँ उन्होंने सदकात जमा कराए, खैरात जमा कराए, इबादत जमा कराई, उसने इखलाक जमा कराया, अच्छा सलूक जमा कराया, उन्होंने आखरत के बैंक में ढेरों माल जमा कराया, वहाँ उनके मकान बुक हुए, जन्नत में उनके नाम की बड़ी बड़ी जगहें अल्लाह तबारक व तआला के फजल से तय की गई, तो फिर उन्हें वहाँ जाने में कोई दुश्वारी भी नहीं थी, उन्हें कोई मुश्किल नहीं थी, वो तैयार थे। लेकिन चूँकि सारी मेहनत ही दुनिया के लिए है, वो जो ख़ास एक आखरत पर मुसलमान का ईमान और यकीन और तयक्कुन था, उस तरफ हमारा मिजाज नहीं।